नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पंजीयन संस्था मालवा सुर संगम एवं सांस्कृतिक सोसाइटी उज्जैन के अंतर्गत मालवा सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप इंदौर द्वारा 3 सितंबर 2023 रविवार को इंदौर स्थित प्रीतमलाल द्वार सभागृह में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश भर के फनकारों ने हिस्सा लिया, तो वहीं संगीत संध्या में इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, मंदसौर, झाबुआ, खरगोन, आगरमालवा, सुसनेर और आसपास के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट सुनील पटेल ने बताया कि फनकारों में भारत सरकार के अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यवसायी शामिल हैं। संगीत संध्या में तकरीबन 30 गायक गायिकाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जहां संगीत का सिलसिला दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक चला। संस्था के डायरेक्टर और अध्यक्ष दिलीप सिंह परमार तथा श्रीमती शीतल ने भी विशेष प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर दारा सिंह चौधरी उज्जैन को मालवा किशोर अवार्ड के साथ ही सभी फनकारों को मालवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मालवा सुर संगम म्यूजिकल परिवार इंदौर के संरक्षक हेमंत सिंह चौहान, उपाध्यक्ष गोपाल नवाल, सचिव राजेंद्र चौधरी मौजूद रहे। मालवा सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप इंदौर में इस ग्रुप का संयोजक हूँ एवं यहाँ की अभी जो परिकल्पना की है संयोजक रहेगा मेरे लिए, मैं सुनील पटेल, एडवोकेट। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने परिकल्पना को अपने सपनों को साकार करा इंदौर में मालवा सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा, जो उज्जैन से जुड़े हुए थे, और उन्होंने सभी कलाकार को इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नीमच, खरगोन, कटवा, सभी जो मंच पर पहली बार आना चाह रहे थे उनको इन्होंने जोड़ा और यहाँ पर उनकी प्रस्तुतियाँ दिलाई। हमारे को भी इन्होंने इन्विटेशन दिया, उस उनके इन्विटेशन पर हम पहली बार आए। हमारी कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ फ़ोन पर बात हुई, सर ने बोला आपको आना है थोड़ा सा। बिल्कुल सर, आपके लिए हम तत्पर खड़े हैं और बहुत अच्छा लगा कि सर ने इतने लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके बहुत बढ़िया कार्यक्रम करा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना मेरा नाम आराधना, इंदौर के करीब 30-35 वर्षों से मेरा खुद का भी टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल।